अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर्स फैमिली एंड फ्रेंड, आज मैं आपके साथ आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इसके लिए 2 अदद प्याज लिए, 2 टमाटर लिए, 2 टेबलस्पून नमक लिए, 2 टेबलस्पून पीसी मिर्ची लिए, 1 टेबलस्पून हल्दी लिए और 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पीस लिए। पतीली में मैंने गोश्त शामिल कर दिया, 1/2 किलो गोश्त है। अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। अब इसके अंदर तमाम मसाले शामिल करेंगे, अदरक लहसुन हल्दी पीसी मिर्ची और नमक। और अब मैं इसके अंदर प्याज को शामिल करूंगी। इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। सो व्यूअर्स, अभी ये देखें काफ़ी टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। गल चुके हैं इसके अंदर। इस तरह से इसको अच्छे से चम्मच चला के मिक्स करेंगे, भूनेंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। सो बस इस स्टेज पे हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। अच्छे से इसको भूनेंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। ये भी उसी अच्छे से अभी भुन चुका है, इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। और फिर अब हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। अब आलू शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। Thank you.
अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून कलौंजी शामिल करेंगे। इससे आलू गोश्त का टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाता है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि कलौंजी में हर बीमारी की शिफा है मौत के सिवा, तो हमें वैसे भी हर रोज़ नहार मुँह 1 टीस्पून कलौंजी खानी चाहिए। सो व्यूअर्स, अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। सो अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक पानी शामिल करिएगा, जितना आपको शोरबा रखना हो। और अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, इसके अंदर हरी मिर्ची शामिल करूँगी। अब हरी मिर्ची शामिल कर दी है, अब इसको अच्छे से मिक्स करके दरमियानी आंच पे रख दें। अब इस तरह पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तो फिर इसकी हल्की आंच कर दें और 15 मिनट के लिए इसको ढक के रख दें। स्वीवर से देखिए आलू गोश्त रेडी है। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल करूंगी, बहुत ही मज़ेदार बना है, अच्छी खुशबू आ रही है, लाजवाब, लाजमी ट्राई कीजिएगा। सो चले व्यूअर्स, ये देखें ये रेडी, लिखो ये रेडी। तो हरा धनिया डाल के मैं हल्का सा ऊपर से इसको मिक्स करूंगी, तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। सो व्यूअर्स, आलू गोश्त रेडी हो गया है, बहुत ही मज़ेदार बना है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।